हाय गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे कैसे हम अपने आईफोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ले सकते हैं। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपको टाइम शो करेगी और आप अपने डिस्प्ले को वो जो टाइम एनिमेशन हैं उसके काफ़ी कूल रहेंगे और आप अपने फ़ोन को एक तरह से ऑलवेज ऑन एज अ क्लॉक यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास दो या तीन मोबाइल फ़ोन हैं तो आप अपने एक आप सिंपल एक ही फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो आप अपने फ़ोन को टेबल क्लॉक या फिर एक तरह से टेबल पे रख सकते हो स्टैंड के ऊपर, जैसे कि मैंने रख रखा है। जैसे कि आप देख सकते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का काम चल रहा है इस पर। एक तरह से आपको जाना है अपने ऐप स्टोर पर और ऐप स्टोर पर जाने के बाद आपको सर्च करना है फ्लिप क्लॉक। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्लिप और क्लॉक, और आपको जो है टॉप पे ये जो एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगी जो मैंने इंस्टॉल कर रखी है। सिर्फ 22 MB की ये एप्लीकेशन है और बड़ी जल्दी इंस्टॉल होगी। सेकंड नंबर पर आप इस एप्लीकेशन का विजेट सेट कर सकते हो। और गाइज, ये एप्लीकेशन की खास बात क्या है कि आप इसको रोटेट कर सकते हो और आप इसका लैंडस्केप व्यू ले सकते हो। और सेकंड नंबर पर जब इसके मिनट्स क्रॉस करते हैं तो इसकी जो एनिमेशन है वो बहुत सही है। तो अब ऐसा नहीं लग रहा कि एक स्पेशल मोबाइल फ़ोन है। अगर आप एक किसी अपने एक डिवाइस को स्पेशली इस मेथड इसके लिए यूज़ करोगे तो वो एक तरह से आप देख सकते हैं इसने एनिमेशन चेंज किया, 38 से 39 गया, तो एक तरह से फ्लिप हुआ, जैसे कि पेज फ्लिप करते हैं। और सेकंड नंबर पर गाइज, आपको ये फीचर को उस आईफोन में ऑन करना है जिस आईफोन की जो डिस्प्ले है वो सुपर एमोलेड है। फॉर एग्जांपल आईफोन 10, आईफोन 10s, 10s मैक्स, आईफोन 11 और आईफोन XR की जो डिस्प्ले है वो सुपर एमोलेड नहीं है। आईफोन 10 से जितने भी आईफोन्स आगे आए हैं XR और आईफोन SE सेकेंड जनरेशन, सेकेंड नंबर पर आईफोन जो XR और 11 है उनकी डिस्प्ले सुपर एमोलेड नहीं है, मतलब OLED पैनल नहीं है। एप्पल की तरफ से उन्होंने स्पेशल IPS पैनल है उनका। तो उन आईफोन्स में आपको ये ऑन नहीं करना है क्योंकि उन आईफोन्स में आपकी बैटरी कंजप्शन नॉर्मल जैसे आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो उस तरीके से होगी। लेकिन अगर आप आईफोन 13, 12 या 12 प्रो, 12 प्रो मैक्स या 11 प्रो, 11 प्रो मैक्स में हो या फिर आईफोन 10, 10s, 10s मैक्स में हो तो आपकी बैटरी कंजप्शन इतनी नहीं होने वाली क्योंकि उन फोन्स में ये जो है सुपर एमोलेड डिस्प्ले हैं। और गाइज, ये डिस्प्ले जो है उस ही पार्ट से एक्टिव है जहाँ पर ये जो सिंपली डिस्प्ले ऑन है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि यहाँ पर मेरे फ़ोन में डिस्प्ले ऑन है, जिस भी पार्ट में मुझे वाइटन हिस्सा दिख रहा है सिर्फ वही पार्ट मेरा डिस्प्ले का ऑन है, सिर्फ वही बैटरी को यूज़ कर रहा है। और गाइज, आप इसकी बैटरी अपनी आप इसकी ब्राइटनेस को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हो। जस्ट आपको स्वाइप डाउन करना है इसकी ब्राइटनेस को डिक्रीज़ करने के लिए, स्वाइप अप करना है इसकी बैटरी को ब्राइटनेस को इंक्रीज़ करने के लिए। आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।